बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, ऑडिटिंग बीबीए 8 द एडिटर, और उसमें आज हमारा टॉपिक है राइट्स ऑफ एन एडिटर। In order to enable the auditor to discharge his duty effectively, several rights have been given to him by the provisions of Companies Ordinance 1984. Auditor को उसकी duties को अच्छी तरह निभाने के लिए Companies Ordinance 1984 उनको कुछ हकूक provide करता है, यानी ऑडिटर को इस काबिल बनाने के लिए कि वो अपनी ड्यूटी को सही तरह से अंजाम दे, सही तरीके से सर अंजाम दे इफ़ेक्टिवली, उसको कंपनीज ऑर्डिनेंस की तरफ से कुछ राइट्स जो है वो मिलती है। दीज राइट्स आर डिस्क्राइब बिलो, और वो राइट्स जो है वो मंदरज ज़ेल है। पहला राइट है टू होल्ड ऑफिस सेक्शन 252(5), यानी उसको सेक्शन 252(5) ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस ये राइट देता है कि वो अपनी ऑफिस होल्ड कर ले टिल नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। यानी इसका मतलब ये है कि जब ऑडिटर एक मरतबा अपॉइंट हो जाता है, अगर उसकी अपॉइंटमेंट बाय द डायरेक्टर हो, बाय द शेयर होल्डर हो और बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन हो, तो लिहाजा वो डायरेक्टर ये उसकी राइट है कि वो अगली एनुअल जनरल मीटिंग की कंक्लूजन तक उस ऑफिस को होल्ड कर ले और उसको बिफोर द टाइम जो है वो रिमूव नहीं किया जा सकता। एन ऑडिटर वंस अपॉइंटेड either in annual general meeting by the shareholder or by the directors or by the security and exchange commission of pakistan to fill in a casual vacancy shall hold office till the conclusion of next annual general meeting and cannot be removed before that time। दूसरा राइट है राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स सेक्शन 255(1). हर एडिटर ऑफ द कंपनी जो है उसको ये राइट हासिल है कि वो किसी भी टाइम किसी भी किताब किसी भी अकाउंट्स को किसी भी पेपर्स को किसी भी वोचर्स को डॉक्यूमेंट्स को जो कंपनी से रिलेटेड हो, जो कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस में हो या उसकी ब्रांचेज में हो, उस तक रसाई उसको उस तक रसाई उसका हक है। तो लिहाजा ये दूसरा राइट है कि उसको ये राइट है कि वो तमाम रिकॉर्ड्स को तमाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उसकी हर टाइम जो है उसको उसकी उस तक उसकी रसाई जो है उसका हक है। एवरी एडिटर ऑफ अ कंपनी शल हैव अ राइट्स ऑफ एक्सेस to all times to the books papers and vouchers of the company whether kept at the registered office of the company or elsewhere। The auditor can exercise the right of access to books of accounts at all times, which means normal business hours and any working days। To lihaza jab bhi auditor नॉर्मल वर्किंग डेज़ में वर्किंग हावर्स में जिस वक्त भी चाहे कंपनी की किसी भी रिकॉर्ड को वो ले सकता है और उस तक पहुंचने का उसको हक है। नेक्स्ट राइट है राइट टू कॉल फर्दर इंफॉर्मेशन सेक्शन 255(1). यानी पहला हक ये था, इससे पहले का जो हक था वो ये था कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है, लेकिन
अगर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अलावा भी कुछ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो उसकी ड्यूटीज़ के परफॉर्मेंस में, तो लिहाजा उसको ये भी हक है कि वो किसी भी ऑफिसर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर या कंपनी से कोई भी चीज़, एक्सप्लेनेशन, इंक्वायरी, कोई भी इंफॉर्मेशन वो ले सकता है। ये भी उसका हक है कि राइट टू कॉल फर्दर इंफॉर्मेशन। एवरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी हैज़ अ राइट टू इंक्वायर फ्रॉम द कंपनी एंड डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी सच इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन एज ही थिंक नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी। नेक्स्ट राइट है राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स ऑफ ब्रांचेस, सेक्शन 252। ऑडिटर को हेड ऑफिस के बुक्स के अलावा अगर कंपनी की कोई ब्रांच है और उसमें जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो कि उसको ये महसूस होता है कि उसकी ड्यूटीज़ में, ड्यूटीज़ के परफॉर्मेंस में उसको उसकी ज़रूरत है, तो लिहाजा उस ब्रांच की रिकॉर्ड को भी, बुक्स को भी वो एक्सेस कर सकता है। ये भी उसका राइट है। ऑडिटर हैज़ द राइट टू लुक इनटू द बुक्स, टू द बुक एंड रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रांचेस अदर देन द हेड ऑफिस, यानी हेड ऑफिस के अलावा वो ब्रांचेस की बुक्स को भी एक्सेस कर सकता है। ही कैन विजिट द ब्रांच ऑफिस टू कन्फर्म द रिकॉर्ड एंड स्टेटमेंट रेंडर्ड बाय द ब्रांच टू हेड ऑफिस, और वो ब्रांच को विजिट भी कर सकता है इस पर्पज़ के लिए कि जाके उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को कन्फर्म कर लें जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजी हो। राइट ऑफ एक्सेस टू रिकॉर्ड ट्रांसमिटेड बाय फॉरेन ब्रांचेस, ये नेक्स्ट राइट है कि उसको ये भी हक है कि अगर किसी कंपनी की जो ब्रांच है वो आउटसाइड द कंट्री हो, मतलब आउटसाइड द पाकिस्तान हो, और उस ब्रांच की तरफ से जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है तो उसकी कापीज रिटेन करना और उन कापीज को उनकी बुक से निकालने का और उस तक रसाई भी इसका हक है। यानी जिस तरह कोई ब्रांच विद इन द कंट्री है उसमें वो जा सकता है, उसको विजिट कर सकता है, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को कन्फर्म कर सकता है, उनसे कापी ले सकता है, साथ उनकी बुक्स को एक्सेस कर सकता है, इसी तरह अगर कोई ऑफिस आउटसाइड द पाकिस्तान हो तो उनसे जितनी भी डॉक्यूमेंट्स ट्रांसमिटेड होती है तो उनसे वो, उनको वो अप्रोच भी कर सकता है और उनकी कापीज भी अपने साथ ले सकता है। इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग अ ब्रांच ऑफिस आउटसाइड पाकिस्तान, द ऑडिटर शैल हैव एक्सेस टू सच कापीज ऑफ एंड एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बुक्स एंड पेपर्स ऑफ द ब्रांच एज हैव बीन ट्रांसमिटेड टू द प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी इन पाकिस्तान। यानी जो डॉक्यूमेंट्स उस ऑफिस से, हेड ऑफिस जो पाकिस्तान में सिचुएटेड है उसको मिली हो, ट्रांसमिट हो गई हो, तो उस तक भी रसाई उस ऑडिटर का राइट है। राइट टू रिसीव नोटिसेस, सेक्शन 255(6). जिस तरह कंपनी की दूसरे मेंबर्स को या शेयर होल्डर को बाकायदा तौर पर कंपनी की तरफ से नोटिस दी जाती है, नोटिस मिल जाती है, इस तरह ऑडिटर का भी ये हक है कि कंपनी की तरफ से मीटिंग्स की जो नोटिस हो, जो दूसरी मेंबर्स को मिल जाती है, ये इसका भी हक है कि उसको भी मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म किया जाए, और साथ साथ उसका ये भी हक है कि वो एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड कर ले। एन ऑडिटर हैज़ अ राइट टू रिसीव ऑल नोटिसेस एंड एनी कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू एनी जनरल मीटिंग विच मे मेंबर ऑफ द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव, यानी कंपनी के से रिलेटेड जितनी भी जनरल मीटिंग्स होती है और जिसके लिए एक मेंबर इंटाइटल होता है, इस तरह ये एक ऑडिटर का भी राइट है कि उसको भी वो
मीटिंग्स का नोटिस जो है वो मिले। राइट नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट इट, सेक्शन 255(7). इसका मतलब ये है कि इसका ये हक है कि उसको कंपनी के एक ऑफिसर की तरफ से अगर उसको कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो और बगैर किसी कानूनी जस्टिफिकेशन की, अगर वो उन इंफॉर्मेशन तक उसको रसाई नहीं देता और उसके सामने रुकावट बन जाता है जिसकी वजह से उस ऑडिटर की काम में डिले हो जाती है, उनकी ड्यूटीज़ में डिले हो जाती है, तो लिहाजा वो ऑफिसर, वो शख्स जिसने उसको हैंडल्स किया हो, जिसको वो ऑब्स्ट्रक्ट किया हो, उसके ऊपर 5,000 तक का जुर्माना वो हो सकता है। इफ एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी रिफ्यूज, सॉरी इफ एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी रिफ्यूज, अगर कंपनी का कोई ऑफिसर जो है वो इनकार कर दे आर फेल विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन टू गिव एनी इंफॉर्मेशन पोजेस्ड बाय हिम, कि अगर उसके पास कोई भी मालूमात हो और वो उसमें उसको बग़ैर किसी कानूनी जस्टिफिकेशन के वो उसको देने में इनकार कर ले, एज एंड वेन रिक्वायर्ड आर अदरवाइज हैंडल ऑब्स्ट्रक्ट आर डिलेज इन ऑडिटर इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, यानी ऑडिटर को अगर उससे मुतालिक कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो और वो कंपनी ऑफिसर बग़ैर किसी कानूनी रिकावट के उन इंफॉर्मेशन को ऑडिटर तक ना पहुँचाए, उसमें रुकावट बने, ही शैल बी लेबल टू फाइन, तो उस पर मतलब फाइन हो सकती है विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज़, जो कि 5,000 रुपये तक की होगी। नेक्स्ट राइट है राइट टू रीड एंड स्टेट रिपोर्ट इन मीटिंग्स। द ऑडिटर हैज़ अ राइट टू मेक अ रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जामिन बाय हिम। ये ऑडिटर का राइट है कि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनको ऑडिटर ने एग्जामिन की हो उस पे तमाम मेंबर्स को रिपोर्ट कर ले, एंड टू स्टेट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी बिजनेस, और फिर ये भी बताए, ये भी स्टेट कर ले कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाए गए हैं वो कंपनी बिजनेस की ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो अपीयर्स की दिखाती है। तो लिहाजा एक तो उस पर रिपोर्ट करना होगा और फिर ये मेंशन करना होगा कि डॉक्यूमेंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाती है या नहीं, ये भी स्टेट करना होगा। और लास्ट वन जो राइट है राइट टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, सेक्शन 257(1). ऑडिटर के पास ये राइट है कि वो ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर ले और उस पे डेट और जो प्लेस है वो दोनों इंडिकेट कर ले। द ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैज अ राइट टू साइन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, द रिपोर्ट शैल बी डेटेड एंड इंडिकेटेड एंड इंडिकेट द प्लेस एट विच इट इज साइन। तो लिहाजा ये कुछ राइट्स थे जिनको कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 अंडर डिफरेंट प्रोविजंस ऑडिटर को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ड्यूटीज ऑफ द कंपनी ऑडिटर। द मिनिमम ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर इज लेड डाउन बाय द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। जो मिनिमम ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 मेंशन करती है कि नॉट बी कर्टेल और रिस्ट्रिक्टेड, उसको कम या महदूद नहीं किया जा सकता,
यानी जो ड्यूटीज ऑर्डिनेंस ऑडिटर के लिए एक्सप्लेन करता है, लेट डाउन करता है, उनको हम कम नहीं कर सकते। दे मे हाउएवर बी एक्सटेंडेड बाय एन एग्रीमेंट विद द कंपनी, उन ड्यूटीज को कंपनी एग्रीमेंट के साथ एक्सटेंड कर सकती है। यानी कंपनी और ऑडिटर के दरमियान उन ड्यूटीज में अगर इजाफा करना हो तो फिर एक एग्रीमेंट से उनको एक्सटेंड किया जा सकता है। अदरवाइज जो ड्यूटीज ऑर्डिनेंस में मेंशन है उनको हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। द वेरियस ड्यूटीज ऑफ कंपनीज कंपनी ऑडिटर इम्पोज्ड अपॉन हिम बाय द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 आर, और जो मुख्तलिफ ड्यूटीज उस ऑडिटर पे कंपनी ऑर्डिनेंस जो है इम्पोज करता है वो ये है। फर्स्ट वन, ड्यूटी टू सर्टिफाई द स्टेट्यूटरी रिपोर्ट, सेक्शन 157(5). इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, टू सर्टिफाई द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द स्टेट्यूटरी रिपोर्ट एज रिगार्ड शेयर अलॉटेड, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर अलॉटेड, रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द कंपनी। यानी ये कंपनी की जो पहला ऑडिटर होता है, फर्स्ट ऑडिटर होता है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम कंटेंट्स जो कि स्टेट्यूटरी रिपोर्ट की होती है वो सर्टिफाई करता है, और ख़ास तौर पर स्टेट्यूटरी रिपोर्ट की वो कंटेंट्स जिसका ताल्लुक शेयर अलाटमेंट से हो, इसी तरह कैश रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर अलाटेड हो, और साथ साथ जितनी हमें रिसीट्स और जितनी हमारी पेमेंट्स हो गई हैं उस रिलेटेड तमाम कंटेंट्स को ऑडिटर जो है वो सर्टिफाई करता है। और ये ड्यूटी होती है फर्स्ट ऑडिटर को, क्योंकि फर्स्ट ऑडिटर जो होता है उसकी अपॉइंटमेंट इस पर्पज़ के लिए होता है कि वो स्टेट्यूटरी मीटिंग में वो स्टेट्यूटरी रिपोर्ट सबमिट कर ले। दूसरी ड्यूटी है ड्यूटी टू प्रिपेयर रिपोर्ट फॉर प्रॉस्पेक्टस, दूसरी ड्यूटी ये है कि जब प्रॉस्पेक्टस इशू होता है तो उसके साथ रिपोर्ट्स बनाना। वेयर अ कंपनी इज कैरिंग ऑन इट्स बिजनेस एंड ऑफर्स इट्स अन इशूड कैपिटल टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, जहाँ कंपनी अपनी बिजनेस चलाती है और वो अन इशूड कैपिटल पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए इशू करना चाहे, द प्रॉस्पेक्टस इशूड बाय द कंपनी शैल कंटेन अ रिपोर्ट फ्रॉम द ऑडिटर ऑफ द कंपनी रिगार्डिंग। तो उस प्रॉस्पेक्टस जो कंपनी उस सब्सक्रिप्शन के लिए इशू करती है उसके साथ कुछ रिपोर्ट्स ऑडिटर की तरफ से होनी चाहिए एज रिगार्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के मुतालिक। यानी उस प्रॉस्पेक्टस के साथ कंपनी ऑडिटर की तरफ से जो रिपोर्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक के लिए होगी, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी, कंपनी की एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में, एट द लास्ट डेट टू विच द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी वर मेड अप, उस लास्ट डेट तक जिस डेट तक कंपनी की अकाउंट जो है वो बन चुकी हो, रेट्स ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी फॉर ईच ऑफ द पायो फाइनेंशियल प्रीसीडिंग टू इशू ऑफ द प्रॉस्पेक्टस, और उस प्रॉस्पेक्टस की से पहले लास्ट पाय फाइनेंशियल ईयर्स की जो रेट ऑफ डिविडेंड हो उसके मुताबिक। यानी इसका मतलब ये है कि जब कंपनी ड्यूरिंग कोर्स ऑफ बिजनेस अपनी अन इशूड कैपिटल को इशूड करना चाहती है तो लिहाजा प्रॉस्पेक्टस के साथ साथ ऑडिटर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी के बारे में, और साथ साथ रेट ऑफ डिविडेंड जो कंपनी की हो उसके मुतालिक बाकायदा उस प्रॉस्पेक्टस के साथ एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट को प्रॉस्पेक्टस के साथ शामिल कर दी, ताकि जो हमारी इन्वेस्टर है वो हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस से मुतमईन हो और हम जो इशू करना चाहते हैं अन इशूड कैपिटल उस पर अच्छी परफॉर्मेंस हो।
तो लिहाजा ये दूसरी ड्यूटी है ऑडिटर की। तीसरी ड्यूटी है टू मेक ड्यूटी टू मेक रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, सेक्शन 255(3). द प्रिंसिपल ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर टू मेक इज टू मेक अ रिपोर्ट टू द मेंबर ऑन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स एग्जामिन बाय हिम। जो बुनियादी और असूली ड्यूटी है ऑडिटर की, वो रिपोर्ट बनाना है, मेंबर को रिपोर्ट करना है मेंबर्स को उन तमाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे जिनको उसने एग्जामिन की हो, बैलेंस शीट हो एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑन एवरी अदर डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो लिहाजा ये ऑडिटर की बुनियादी ड्यूटी है कि वो कंपनी मेंबर्स को, शेयर होल्डर को, उन तमाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ऐसी कोई डॉक्यूमेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा बनती है और उसको उसने एग्जामिन किया हो, उन पे तमाम मेंबर्स को रिपोर्ट देनी होगी। नेक्स्ट जो ड्यूटी है, ड्यूटी टू अपटेन इंफॉर्मेशन, सेक्शन 255(3). इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू अपटेन ऑल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन विच टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीव आर नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट। ये भी ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो उन तमाम इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन को हासिल कर ले जो उसके इलम के मुताबिक उसकी ऑडिट पर्पज़ के लिए ज़रूरी हो। यानी जब वो ऑडिट करता हो तो ऑडिट पर्पज़ के लिए, यानी उसकी ड्यूटी ऑडिट करना है, तो लिहाजा ऑडिट के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके नॉलेज और उसकी अकेदी के मुताबिक, मतलब उसके मुताबिक उसकी ऑडिट के लिए जो ज़रूरी है उनको हासिल करना भी इसकी ड्यूटी है। फिफ्थ नंबर है ड्यूटी टू एक्सप्रेस ओपिनियन, सेक्शन 255(3). इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। ये भी ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपनी ओपिनियन दे दे। द ओपिनियन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, और ओपिनियन जो होगी वो मंदरजेल पॉइंट्स पे मुश्तमिल होगी। वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, ये ओपिनियन देनी होगी कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई गई है, मेंटेन की गई है, वो अकॉर्डिंग टू कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 है। यानी उसके मुताबिक जो है उस बुक्स की बनाने के मुताबिक, क्या ये कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 की प्रोविजन के मुताबिक है। दूसरी ओपिनियन, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। सी नंबर है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गेव ट्रू एंड फेयर व्यू, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू देती है। और डी नंबर ओपिनियन है वेदर द बिजनेस कंडक्टेड, इन्वेस्टमेंट मेड एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड वर इन अकॉर्डेंस विद ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, वेर इन अकॉर्डेंस विद ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। और ये भी ओपिनियन देनी होगी कि जो कारोबार हुआ है, जितनी इन्वेस्टमेंट हो गई है और जितनी एक्सपेंडिचर हुई है, क्या ये कंपनी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है या नहीं। तो लिहाजा इन चार बातों के मुताबिक उसकी ये ड्यूटी है कि वो अपनी ओपिनियन जो है वो एक्सप्रेस कर ले, दे दी। नेक्स्ट ड्यूटी है ड्यूटी टू अटैच रेफरेंसेस, सेक्शन 255(3) या एक्सप्लेनेशंस। वेदर द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेयर द ऑडिटर रिपोर्ट्स
and financial statement contain a reference to any other report, statement or remarks, the auditor shall annex thereto such other report statement, and that shall be deemed to be a part of the auditor's report. अगर ऑडिटर रिपोर्ट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मुतालिक हो और उसके साथ साथ कोई रेफरेंस दूसरी रिपोर्ट की या स्टेटमेंट या कुछ रिमार्क्स ऑडिटर की तरफ से हो, तो बाकायदा तौर पर उसको उस रिपोर्ट के साथ एनेक्स करनी होगी, उसको शामिल करनी होगी और बाकायदा तौर पर उस रिपोर्ट की हिस्सा होगी। यानी इसका मतलब ये है कि अगर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मुतालिक रिपोर्ट जो है वो किसी बतौर रेफरेंस या एक्सप्लेनेशन किसी दूसरी रिपोर्ट से कुछ ली गई हो, तो बाकायदा तौर पर उन तमाम अटैचमेंट को बाकायदा तौर पर उस रिपोर्ट के साथ एनेक्स करनी होगी और बाकायदा उस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। ये भी ऑडिटर की ड्यूटी है कि उन तमाम एक्सप्लेनेशन उन तमाम अटैचमेंट को उसके साथ लगा ले, उसके साथ रखे। Duty to state negatives with facts, section 255(4). Where the auditor in his report to the member gave a negative or qualified opinion. अब अगर किसी रिपोर्ट में ऑडिटर ने मेंबर को नेगेटिव यानी क्वालिफाइड ओपिनियन दी हो, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर to state the reason for such opinion. तो ये ऑडिटर की ड्यूटी है कि उस ओपिनियन के साथ उसकी जो वजह है वो भी शामिल कर दी, स्टेट कर दी, मेंशन कर दी, along with the factual position of to the best of the auditor's information. और ऑडिटर के यानी उस ओपिनियन उस रीज़न के साथ साथ जो उसका फैक्चुअल पोजिशन है जो कि ऑडिटर के इलम के मुताबिक है उसको भी मेंशन कर दें। यानी इसका मतलब ये है कि अगर ऑडिटर ने किसी रिपोर्ट के मुताबिक, किसी डॉक्यूमेंट के मुताबिक या किसी बुक्स ऑफ अकाउंट के मुताबिक या ऑडिटर को अपनी ओपिनियन में कोई भी नेगेटिव या क्वालिफाइड ओपिनियन दी हो, तो लिहाजा उस क्वालिफाइड ओपिनियन के साथ उसकी फैक्ट्स पर बाकायदा तौर पर उसकी रीजनिंग देनी होगी ताकि मेंबर्स को उस चीज की हकायक का पता हो। ड्यूटी टू स्टेट एडिशनल मैटर्स, सेक्शन 255(5). द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय जनरल आर स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट इन द केस ऑफ ऑल कंपनीज आर सच कंपनीज as may be specified, the auditor report shall also include a statement of such additional matters as may be so specified. It is the duty of the auditor to state these facts in his report. यानी जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो by general or special order डायरेक्ट करती है इन केस ऑफ ऑल कंपनीज या सच कंपनीज जो कि स्पेसिफाइड हो कि ऑडिटर रिपोर्ट के साथ वो हमेशा के लिए उन तमाम दूसरी मैटर्स जो रिलेटेड द कंपनी हो उनके उन इंफॉर्मेशन को भी स्टेट कर ली, यानी एडिशनल स्टेटमेंट उसके साथ लगाए। और ये ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो फैक्ट्स जो है उस रिपोर्ट के साथ अटैच कर ले। यानी इसका मतलब ये है कि ऑडिटर की सिर्फ ये ड्यूटी नहीं कि वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो है वो अपनी रिपोर्ट मेंबर्स को दे दे, ये भी उसकी ड्यूटी है कि वो दूसरे मैटर्स जो कंपनी रिलेटेड है अगर उससे रिलेटेड उसके पास कुछ फैक्ट्स हो तो उन फैक्ट्स को बाकायदा तौर पर रिपोर्ट्स के साथ स्टेट करनी होगी, शामिल करनी होगी। ड्यूटी टू असिस्ट द इंस्पेक्टर, सेक्शन 268। व्हेन एन इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी
अगर किसी अथॉरिटी ने कोई इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट की है ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर ले कुछ कंपनी मामलात को, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू गिव द इंस्पेक्टर ऑल पॉसिबल असिस्टेंस इन कनेक्शन विद द इन्वेस्टिगेशन। तो ये ऑडिटर की ड्यूटी है कि उस इन्वेस्टिगेटर के साथ इन्वेस्टिगेटर में तमाम मुमकिन जो असिस्टेंस है वो कर ले। ड्यूटी टू वर्क पर लिक्विडिटर सेक्शन 255(8). इफ एन ऑडिटर इज अपॉइंटेड पर ऑडिट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ लिक्विडिटर, इट इज हिज ड्यूटी टू वर्क पर लिक्विडिटर। यानी ऑडिटर तो अपॉइंट होता है टू ऑडिट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेकिन अगर उसको उसके साथ साथ लिक्विडिटर अपॉइंट किया जाए, मतलब जब कंपनी डिजॉल्व होती है, डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी होती है, तो बाकायदा तौर पर एक शख्स जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करने के बाद लिक्विडेट करता है और कंपनी डिजॉल्व हो जाती है, तो अगर उसको एज अ लिक्विडिटर अपॉइंट किया जाता है तो ये ड्यूटी भी उसने करनी है एज अ लिक्विडिटर। ड्यूटी टू सर्टिफाई डायरेक्टर्स डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी सेक्शन 362(2). इन केस ऑफ वॉलेंट्री वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बाय मेंबर्स, अगर कंपनी की वाइंडिंग अप हो और वो भी वॉलेंट्री हो, रजाकाराना वाइंडिंग अप हो मेंबर्स की तरफ से, डिक्लेरेशन इज टू बी गिवन अबाउट सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी बाय डायरेक्टर्स। तो उस सूरत में कंपनी की सॉल्वेंसी के बारे में डायरेक्टर ने अपनी एक डिक्लेरेशन देनी होगी। This is the statutory duty of the auditor to certify this declaration. तो लिहाजा ये उस ऑडिटर की फिर आइनी ड्यूटी बनती है कि उस डिक्लेरेशन को सर्टिफाई कर दी जो कि डायरेक्टर ने दी हो। By submitting his report on the profit and loss account and balance sheet, our profit and loss और balance sheet पे अपनी जो है report submit करनी होगी। यानी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट से रिलेटेड उस डिक्लेरेशन पे जो कि सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी के लिए है, जो कि डायरेक्टर ने इशू करनी है, उस डिक्लेरेशन को ऑडिटर ने साइन करनी है, ये उसकी सर्टिफाई करनी है, ये उसकी आइनी ड्यूटी है। और लास्ट ड्यूटी जो है ड्यूटी टू लीव ऑफिस। द ऑडिटर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी होल्ड हिज ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। ऑडिटर जो है वो अपनी ऑफिस को होल्ड कर सकता है नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग की कंक्लूजन तक, बट ही सीज टू होल्ड ऑफिस व्हेन द नोटिस ऑफ रिमूवल इज रिसीव्ड। और जब उसको रिमूवल नोटिस मिल जाती है तो उस वक्त उसने अपनी ऑफिस को छोड़ना होगा, लीव करना होगा, मतलब फिर उसकी जो बीइंग ड्यूटी एज ऑडिटर है वो सीज हो जाती है और उसने उस ऑफिस को छोड़ना होगा। थैंक्स। तो लिहाजा ये थी कुछ ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर अकॉर्डिंग टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984।